बैक टू माई चैनल। आज मैं ऐसा वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए जिससे आप आपके धनिया और पुदीना को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं इजिली। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इसके लिए मैंने धनिया ले लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और धनिया को वॉश करके मैंने वॉशिंग मशीन में इसे ड्राई कर लिया है। उसका एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कैसे आप धनिया को वॉश करके वॉशिंग मशीन में आप इसको कैसे ड्राई करें। ये जो मोटी वाली डंडी है ना, वो आपको निकाल लेनी है, वो हमें नहीं चाहिए। पतली वाली डंडी मैं यहाँ रख रही हूँ, आपको चाहिए तो आप पतली वाली डंडी भी निकाल सकते हैं, आप सिर्फ पत्तों को भी तोड़ के रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पतली वाली डंडी रख रही हूँ। सिर्फ मोटी वाली, ये जो ऐसे मोटी होती है ना, वो डंडी हम निकाल रहे हैं। और ये माइक्रोवेव वाली प्लेट है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने ये इस प्लेट में धनिया को ले लिया है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे पूरे प्लेट पर। ये देखिए, इतने धनिया में बहुत कम पाउडर निकल के आने वाला है, तो माइक्रोवेव में रख दिया है मैंने फ्रेंड्स। और इसको सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स के लिए चलाना है, 30 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं चलेगा, अदरवाइज ये जल सकते हैं। 30 सेकेंड्स के बाद, खोलने के बाद आपको इस तरह से एक बार इसको इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है ताकि ये जले नहीं, और फिर से 30 सेकेंड्स चलाना है। इस तरह से आपको 7 या 8 मिनट तक आपको इस तरह से धनिया को 30 सेकेंड्स के बाद खोलते हुए ये करना है। इतने ही टाइम में आपके धनिया एकदम फाइन और क्रिस्प बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, 7 मिनट लगे हैं मुझे एग्जैक्टली यहाँ। शायद आपने अगर ज़्यादा धनिया रखो तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कितना क्रिस्पी है, इसे ठंडा होने देंगे हम। अब ये ठंडा हो चुका है, ये देखिए मैं हाथ पे ले रही हूँ और इससे आसानी से क्रश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका पाउडर बनके रेडी है, होममेड कोरिएंडर पाउडर रेडी है फ्रेंड्स, एकदम फ्रेश। तो ये देखिए, इसमें डंडियाँ हैं क्योंकि मैंने डंडी रखी थी, इसलिए इसमें डंडियाँ हैं। आप चाहे तो सिर्फ पत्तों को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सारा को क्रश कर रही हूँ फ्रेंड्स। कितना अच्छा कलर भी आया है इसका, आप देख सकते हैं। और जो मोटी डंडी अगर एक आधा अंदर रह भी गई है तो वो आप बाद में निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा कोरिएंडर पाउडर बनके रेडी है। तो इस तरह से आप डंडियों को निकाल सकते हैं या आप इसको छान भी सकते हैं। तो दो तरीके कर सकते हैं फ्रेंड्स आप, या तो पहले ही सिर्फ पत्ती ले लें अगर आपको डंडियां नहीं चाहिए, या तो फिर आप बनाने के बाद इसको छान लें। तो देखिए, हमारा जो धनिया का पाउडर है वो रेडी है, एकदम अच्छी तरह से ग्रीन कलर का ये बन के रेडी हुआ है। और मुझे ये डंडियों के साथ ही इसी तरह से पसंद है क्योंकि डंडियों में काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है धनिया का। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, फ्रिज में रखिएगा, और ये जब तक फिनिश ना हो तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपके धनिया को इस तरह से स्टोर करने का। तो इस तरह से अगर आप आपके खाने में डालेंगे तो बच्चे भी नहीं निकालेंगे, सब खा लेंगे, नहीं तो बच्चे साइड में निकाल देते हैं। तो इस तरह से आप धनिया और पुदीना को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पुदीना का भी बता देती हूँ। यहाँ मैंने पुदीना वॉश कर लिया है, और पुदीना को तोड़ते कैसे है उसके लिए भी मैं यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा टिप दे दूंगी। और इसे अच्छी तरह से मैंने वॉशिंग मशीन में ही सुखा लिया है। पुदीने को आपको उल्टा पकड़ लेना है इस तरह से, और ये देखिए स्लाइड कर लेना है, सारी पत्तियाँ निकल जाएगी। पुदीने की जो डंडी होती है फ्रेंड्स, वो थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मैं पुदीने की डंडी नहीं लूँगी, मैं सिर्फ पत्ते लेने वाली हूँ यहाँ पुदीने के इस तरह से। ये देखिए, आपको जस्ट स्लाइड करना है फ्रेंड्स, और ये पुदीने एकदम अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाते हैं, देख सकते हैं आप जैसे वीडियो में। तो हमें डंडियां नहीं लेनी है पुदीने की, सिर्फ पत्ती लेनी है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैंने सारे कर लिए हैं, और इसको भी हम माइक्रोवेव कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि पुदीने के पत्ते थोड़े मोटे होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपको वही 30 सेकेंड वाला काम करना है। ये देखिए, 30 सेकेंड के बाद इस तरह के हो गए हैं। फिर आपको इसको फिर से रख देना है हिला के, और फिर आपको ये 7 से 8 मिनट का टाइम इसको लगेगा, जब तक कि ये पूरा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आपको इसको करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एकदम ड्राई हो गया है। इसका कलर धनिया की तरह नहीं आएगा, ये थोड़ा डार्क कलर का होगा। ये भी इसी तरह से ठंडे होने के बाद आप इस तरह से क्रश कर लीजिए, या आप इसको ऐसे ही कंटेनर में भर के रख सकते हैं, जब चाहिए तब आप इसको क्रश करके आपके सब्जी में डाल सकते हैं। इसके पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप इसको रोटी में डाल दें या पूरी के आटे में डाल दें तो पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनती है। देखिए, एकदम क्रिस्पी जैसे धनिया का बना है वैसे ही आप पुदीना
पुदीना का भी इस तरह से बनाइए पाउडर और इसको स्टोर करके रख दीजिए कंटेनर में फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वाली ट्रिक धनिया पुदीना को स्टोर करने की? सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके धनिया और पुदीना को आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं जब तक कि ये फिनिश ना हो। और इसका कलर कितना बढ़िया आता है, आपको 3-4 दिन का वेट नहीं करना पड़ता, धूप में नहीं सुखाना पड़ता। धूप में सुखाते तो इसका कलर डेफिनेटली उड़ जाता है। तो इस तरह से आप ज़रूर करिए, और अगर आप करते हैं ये वाली ट्रिक तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।